दूसरी बात मैं सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे इस ठंड में प्रोटेस्ट करने के लिए निकल चुके हैं, उन सभी विद्यार्थियों से ये निवेदन है कि आप अपने घर चले जाइए, ठीक है। हम जो है वो बात कर रहे हैं आपस में टीचर से, यहाँ तक कि मीडिया से बात करने की कोशिश भी की जा रही है। सभी टीचर, सभी अध्यापक, मैं नहीं खाली, सभी के सभी टीचर, सभी के सभी अध्यापक जो है वो मीडिया से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि पीएम मोदी से और रेलवे मिनिस्टर से भी बात करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हम टीचर्स की इतनी औकात तो नहीं है कि हम सीधा पीएम से बात करेंगे, लेकिन किसी तरह से हम मीडिया से बात करना चाह रहे हैं ताकि हमारी बात रेलवे मिनिस्टर या पीएम मोदी जो है हमारे उन तक चली जाए। और मैं तो देखो यूपी से हूं, तो मैं तो योगी जी, आदित्यनाथ योगी जी से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि भाई आप किसी तरह से ये जो हमारा मैसेज है ये मोदी जी तक पहुंचाए, रेलवे मिनिस्टर तक पहुंचाए कि ये बच्चे हैं, ये कोई मतलब टेररिस्ट नहीं है, इन्हें इनके साथ में जो आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हो वो पूरा टेररिस्ट जैसा ट्रीटमेंट दे रहे हो। ये बच्चे हैं किसी के, ये आपके बच्चे हैं, किसी के बच्चे क्या, ये आपके ही बच्चे हैं, ये मान के चलिए आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, टेररिस्ट वाला ट्रीटमेंट इन्हें मत दो। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप वापस ले जाए, सभी के सभी इतने ठंड में खड़े ना हो, आपके माँ बाप हर रोज शाम को तुम्हारे वापस आने की राह देखते हैं, तुम उनकी उम्मीद हो, और कोई भी ऐसा कदम मत उठाओ कि तुम्हारे माँ बाप जो है वो पूरी जिंदगी पछताते रहे कि हमारी ये औलाद थी, एक सरकारी नौकरी की तैयारी क्या करने के लिए कहा, हमारे बच्चे का जीवन क्या, हमारा बच्चा ही हमने खो दिया। प्लीज ये ऐसा काम मत करो। और टीचर तुम्हारे कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है, अगर हमें डिजिटल प्रोटेस्ट से कुछ हासिल होगा तो हम डिजिटल प्रोटेस्ट करेंगे, अगर हमें फिजिकल प्रोटेस्ट से कुछ हासिल होगा फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे। सभी टीचर इस लड़ाई में आपके साथ है और हम साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कितना भी रिस्क हो इसी चीज में, हम तुम्हारे लिए रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं पूरी तरह से। लेकिन आप प्लीज अपने घर लौट जाए, बाकी हम कोशिश कर रहे हैं रेलवे मिनिस्टर से बात करने की। और जहां तक बात है अगर फिजिकल प्रोटेस्ट की बात आएंगे तो तुम्हारे लिए फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे, अगर डिजिटल प्रोटेस्ट आएंगे डिजिटल प्रोटेस्ट करेंगे। अगर एफआईआर सबसे पहले तुम पे होगी तो वो एफआईआर सारे के सारे टीचर खुद पर लेंगे, अगर पहला डंडा तुम पे लगना होगा तो वो डंडा सबसे पहले हम लेंगे। लेकिन अभी थोड़े समय के लिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि घर चले जाओ बच्चों, हम रास्ता निकाल रहे हैं तुम लोगों के लिए। अगर कुछ नहीं होगा तो जैसे तुम बोलोगे तुम्हारे कंधे से कंधा मिला के तुम्हारे जो टीचर है ना तुम्हारे साथ आएंगे। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है इस मीडिया से कि ये जो हमारी बात है वो प्लीज योगी जी तक पहुंचाइए, क्योंकि यूपी में इलेक्शन है, तो क्या पता योगी जी या फिर हमारे क्या कहते हैं यादव जी, या हमारे क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं जैन जी, या जितने भी हमारे जो फिलहाल सीएम के चेहरे हैं वो मेरी शायद ये बात सुने, और ये शायद ये बात हमारी सरकार तक पहुंचाए, रेलवे मिनिस्टर तक पहुंचाए, क्योंकि यहाँ बात रोजगार की हो रहे हैं और आपका सबका एक मुद्दा रोजगार का रहता ही रहता है, तो प्लीज ये बात पहुंचाइए। और जितनी भी मीडिया है, जितनी भी मीडिया है, आप मीडिया जितनी भी है, जितने भी मीडिया वाले हैं, जितने भी मीडिया चैनल वाले हैं, मैं सबका नाम नहीं लूंगी, सिर्फ आप सभी मीडिया वालों से ये रिक्वेस्ट है कि हम टीचर्स से एक बार बात कीजिए, हम टीचर्स की एक बार सुनिए, हम टीचर्स को एक बार आमने सामने रखिए ताकि हम बता सकें कि क्या गलत हुआ है। हम आमने सामने रेलवे से बात करेंगे, आमने सामने बच्चों की बात करेंगे, पहले हमारी बात तो सुने, इस मुद्दे को किसान मुद्दा की तरह ना बनाए, क्योंकि ये बच्चे हैं, इनको जो जैसा रास्ता हम देंगे ये वैसे रास्ते में मुड़ जाएंगे। स्टूडेंट समझ के इनको फ्लावर मत समझो, फायर है ये बिजली की, स्टूडेंट समझ के इनको फ्लावर मत समझो, फायर है ये। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी टीचर्स को और रेलवे के बोर्ड मेंबर्स को आमने सामने मीडिया के थ्रू बिठाया जाए और हमारी बात सुनी जाए, उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो हम सुनने के लिए तैयार है, लेकिन पहले हमारी बात सुनी जाए, उसके बाद हम उनकी बात सुनेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।